अजमेर जिला कांग्रेस ने निकाली अहिंसा पद यात्रा। राष्ट्रीय कांग्रेस के विवेक बंसल और राज्य मंत्री प्रमोद जैन भाया पद यात्रा में हुए शामिल। शहर के मुख्य मार्गों से निकाली पद यात्रा। कार्यक्रम में गांधी विचार पर आयोजित हुई संगोष्ठी। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज अजमेर कांग्रेस कमेटी द्वारा एक विशाल अहिंसा पद यात्रा निकाली गई। कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुई पद यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से निकली। इस पद यात्रा में राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य विवेक बंसल और राज्य मंत्री प्रमोद जैन भाया भी सम्मिलित हुए। इसके पश्चात गांधी विचार पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए विवेक बंसल ने कहा कि आज का युवा गांधी जी के बताए मार्ग पर चलेगा तो वह देश की उन्नति में भागीदारी बनेगा। इसके अलावा विवेक बंसल अपने भाषण में केंद्र की भाजपा सरकार पर भी कई निशाने साधे। मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम महात्मा गांधी को सच्चे मन से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ना कि दिखावे के लिए किसी प्रकार के कोई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हर कांग्रेस जनों की आत्मा, हर कांग्रेस जनों के शरीर में बसते हैं, आत्मा में बसते हैं गांधी। गांधी जी को आज हम जिस तरीके से हम लोग सच्चे मन से, हम लोग सिर्फ दिखावे के तौर पर गांधी जी को हम के कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। हम सच्चे मन से, श्रद्धा से बापू का अनुकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, बापू के बताए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं और देशवासियों को आह्वान कर रहे हैं कि बापू के रास्ते पर चलकर ही ये देश सुरक्षित रह सकता है और ये देश प्रगति के रास्ते पर जिस तरीके से इन 70 वर्षों में आया है तभी आ सकता है, अन्यथा ये देश धरातल की ओर चलेगा। अब गांधी जी के सिद्धांतों का यही अपने आप में दर्शाता और परिलक्षित करता है कि जिस तरीके से नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित किया जा रहा है, वो पूरा दृष्टांत आपके सामने प्रस्तुत करता है। कांग्रेस का ये स्टैंड है कि हम जीत कर आएंगे चुनाव, पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। कांग्रेस जन पूरे सब लोग, हमारे जो नेता है, हमारा कैबिनेट, सब लोग पूरा अपना प्रयास करके पूरा इस चुनाव को जीतने का। वो है तो ये राजनीति में तो देखिए कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, ये परिस्थितियां बदलती हैं उसके अनुरूप लोग अपने अपने तक। गुटबाजी हर पार्टी में होती है, जो भी पार्टी ज्वलंत होती है गुटबाजी वहां तक सीमित रहनी चाहिए जहां तक उसका हित ना हो, तो ये प्रयास करेंगे कि गुटबाजी न्यूनतम स्तर पर है। जिला कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष जी और उनके पूरे टीम ने गांधी जी के जन्म से 150 पे जो सप्ताह में जो विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए, मैं उन सब की इस भावना का अनुमोदन करता हूं और हम सबको संबल देने के लिए हमारे नेता हमारे AICC के सचिव सम्माननीय विवेक बंसल साहब पधारे। निश्चित रूप से आज का जो परिप्रेक्ष्य, इसमें गांधी जी के जो मार्गदर्शन है, जो हमें एक बहुत बड़ी धरोहर इस देश को मिली है, आज उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है आज के इस परिप्रेक्ष्य में, ताकि आम जन में सद्भावना जागे और अहिंसा का जो रास्ता अपनाकर बापू ने जो देश के लिए जो कुर्बानी दी, वो उनका हम सबको अपने जीवन में उनसे प्रेरणा लेने की और चलने की आवश्यकता है। आज ही मेरी जिलाध्यक्ष जी से इस संबंध में चर्चा हुई है और जल्दी उपचुनाव समाप्त होने के बाद में उसके लोकार्पण का कार्यक्रम बनाना।